ओम शांति। हम सभी भगवान के बच्चे दृढ़ संकल्प धारी हैं, क्योंकि हमारे पास ही सबसे ज्यादा मन की शक्ति है, मनोबल, विल पावर। इतना ही नहीं, हमारे पास तो परमात्मा विल पावर है। हम ही यदि दृढ़ संकल्प धारी नहीं होंगे तो भला और कौन होगा। तो अपनी सभी धारणाओं को जीवन में अपनाने के लिए सच्चे मन से दृढ़ संकल्प रखना है। धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए, ये कहावत है। पवित्रता हमारा पहला धर्म है। कुछ भी हो जाए, ऑन एनी कॉस्ट, हमें इसको अपनाना ही है और संपूर्णता की ओर ले चलना है, ताकि हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस संसार को बहुत सुख दे सकें, संसार के अंधकार को समाप्त कर सकें, अपने जीवन में कुछ और भी धारणाएं अपना लें। कैसे मुझे निर्मोही बनना है, मुझे व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग करना है, मुझे इस जीवन में पूर्ण संतुष्ट रहना है, मुझे मान की कामना से परे चलना है। ये बहुत सुंदर धारणाएं हैं जो हमारे अलौकिक जीवन का श्रृंगार हैं, जो हमें महान बनाती हैं, सेवाओं के फील्ड में सफल कराती हैं। अन्यथा होने वाला छोटा मोटा टकराव सेवाओं के फील्ड में विघ्न स्वरूप बन जाता है, और ऐसी आत्माएं सेवाएं न करके डिसर्विस करती हैं, उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस सेवाओं की सफलता पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। तो आइए हम सभी अपने से दृढ़ प्रतिज्ञा करें, हमारी प्योरिटी जो भगवान के आदेश पर हमने अपनाई है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, और इसके लिए बहुत अच्छी साधनाएं रखें। स्वमान की साधना, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। बहुत अच्छा संकल्प है, हमसे पवित्र किरणें गोल्डन रंग की चारों ओर फैलती हैं। जब हमारी ये प्योरिटी परफेक्ट हो जाती है तो हमारी ये किरणें संपूर्ण रूप से श्वेत हो जाती हैं, सफेद। ये हम अभ्यास करते रहें, साथ में जिस विशेष अभ्यास की इस संपूर्ण प्योरिटी के लिए हमको जरूरत पड़ती है वो है आत्मिक दृष्टि। ये देह के आकर्षण ही सचमुच सबसे भयावह है योगियों के मार्ग पर, परंतु हमें इस आकर्षण से स्वयं को परे करना है। इसलिए सभी के मस्तक में चमकती हुई ज्योति को निहारें, साथ में चिंतन रखें, ये देह ये तो बहुत तमो प्रधान है, तमो प्रधान प्रकृति से बना हुआ है। इस देह के साथ तो हम जन्म जन्म रहते आए, खेल करते आए, विकारों का खेल किया, लेकिन अब ये खेल पूर्ण हुआ। अब हमें अलौकिक रूप धारण करना है, अब हमें भगवान की श्रेष्ठ इच्छाओं पर चलना है। ये देह तो कुछ नहीं है, जैसे एक किचरे का डब्बा बाहर से सुंदर सजा दिया गया हो, इस देह के अंदर किचरा ही किचरा है, केवल ये सौंदर्य तो बाहर का है। इसलिए हमें अपने जीवन में असली सौंदर्य धारण करना है, और वो है सद्गुणों का सौंदर्य, वो है श्रेष्ठ धारणाओं का सौंदर्य। इस सुंदरता के आगे ये देह की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। तो आइए हम अपनी शेष धारणाओं के लिए दृढ़ संकल्प धारी बने। हमारी प्योरिटी संसार के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होने जा रही है। हमारी धारणाएं, हमारा धारणा स्वरूप जीवन, हमारे चेहरे पर चमकता हुआ तेज संसार की आत्माओं को मंजिल दिखाएगा। तो आज सारा दिन मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
ये अभ्यास करते हुए, सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए पवित्र वाइब्रेशंस देते चलेंगे। बस हमसे निरंतर अखंड रूप से चारों ओर पवित्रता की किरणें फैलती रहें। ये सुंदर अभ्यास का आनंद आज सारा दिन लेना है। ओम शांति।